गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, कितना 6:15 और हम अभी जा रहे हैं थोड़ा मोड़ा शूट करने, क्योंकि आज लास्ट डे है और हम अभी मॉर्निंग फ़ोटोशूट थोड़ा कर ले सोच रहे हैं, फिर क्योंकि आज हमारा बस भी है 12 बजे, सो हम आएंगे फिर ब्रेकफास्ट और करके फिर बढ़ेंगे बस की ओर। सो मैं आप लोगों को आज सारे डिटेल्स दे दूँगी होटल का, अगर आपको कभी आना हो, एंड बस एंड ट्रेन का सारा चीज़ मैं आप लोगों को आज बता दूँगी। सो पहले चलते हैं वहाँ। विद्या थोड़ा रेडी हो रही है, वो पीछे से आ रही है, हम लोग अभी जा रहे क्योंकि वेव्स पूरा तट तक ना आ जाए, इसीलिए हम लोग को जल्दी जाना होगा। कल थोड़ा सा लेट किए और सारा पानी किनारे में आ गया, सो आज जल्दी जाना है। हमने एक बहुत अच्छा स्पॉट देखा, वहाँ पे ट्रीज़ है, पाम ट्रीज़, वहाँ पे बहुत सुंदर फ़ोटोज़ आते हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं, बस मिशन सक्सेसफुल हो जाए। यस, ये देखिए हम लोगों को अपना मिशन सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना पड़ रहा। पानी आ चुका है, मम्मी देखेगी तो पक्का हम लोग को मार मिलेगा, लेकिन डेंजरस नहीं है इसीलिए, क्योंकि बाकी लोग भी चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग देख लिए। और ऐसा सूखा है, हम लोग ने देख लिया। पहुँच जाएंगे ना उधर, रास्ता निकल जाएगा ना, यही रास्ता है, जो गाच मारा गाचा ना, सुखते सुखते नीचे को चल जाएगा, लेकिन लेट से ना एकदम नीचे को चल जाएगा, बहुत दूर चल जाएगा। आप यहाँ रहते हैं? बगल में, अच्छा इधर ही नीचे से घर उठा है, अच्छा अच्छा नीचे से पक्का उठा ना, ये वाला इधर जो बनिया जो हुआ था, ओहो बनिया में सब तोड़ लेके चले, बाप एक कितना पानी हुआ था, गाछ नीचे गाछ का ऊपर पानी, गाँच नीचे डूब गया था, मिल गया आदमी देश में कोई था नहीं, सरकार सब उठा लिया, उस टाइम ना जो बीच में हुआ था, सरकार सब उठा लिया, तीन ताला चार ताला कॉलेज उठा लिया था सब, माइक में अलाउ कर कोई नहीं था। तो अभी जैसे इधर बन गया तो फिर वैसे ही तो भर जाएगा कुछ, और होटल, हाँ होटल तो दिया, होटल का ये सी दस था, हाँ बैठा खाना था, आदमी बढ़ता रहे पानी का सामने, बढ़ता रहे हवा खाता रहे, सब देखा आदमी, सरकार उठा लिया था, तीन दिन भर सरकार खिलाया उसका, परे कपड़ा लगता साया कुर्ता साड़ी चूड़ीदार नाइटी मैंने जिसको जैसा सबको दो ठो तीन ठो चार ठो के दिया, और मूढ़ी बस्ता के एक बस्ता के दिया, चावल 4-5 बस्ता के दिया, तेल नून सब, अशुभ विशुभ डॉक्टर सब दिया। दो महीने का परे आदमी को छुट्टी करी इस कॉलेज से, 2000 आदमी था कॉलेज, छोटा बच्चा ये लाकर इसको जो घर में, फिर घर को आया जिसका जो घर सूखा होने से घर आया, घर में इतना के दर पानी, घर के भीतर जो चावल के बस्ता था और ये था चावल दाल, घर में जो जिसका था तो चावल दाल घर में जो रखने को कुछ नहीं था, भीजा कुछ नहीं था, खाने का
और द्वार द्वार 5 किलो के चावल दे गए बैठने का वास्ते, दो ठो के चार मैंने का पानी में काम बैठेगा, दो ठो के चार दिया। मेरा घर जा सकते हैं उधर? हाँ, मेरा घर तला कहीं है सुधी, यहाँ दो बहू है, बेटा है, पोती है, पोता है छोटा सा, सब कोई। गाइस हमें एक दादी मिली है और उनसे हम बातचीत करते हुए जा रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ बताया यहाँ के बारे में और बहुत इंटरेस्टिंग एंड डरावना भी, मतलब जब ये बता रही हैं कि यहाँ रहती हैं और उनके बेटे फिशरमैन हैं, मतलब पूरा फैमिली फिशरमैन है एंड लोग यहाँ रहते हैं। आदमी एक आदमी बैठा है और इनका पूरा बगान है इधर नारियल का, और यहाँ पर ही कुछ खराब आदमी नहीं, नहीं है, हाँ। सब एक अन्य देश में सब बहुत अच्छे हैं, अन्य देश में खराब आदमी है, हाँ। लड़की लोग बाहर भीतर नहीं जाती, हाँ। है स्कूल जाती है, स्कूल जाती है, गांव में ढूक जाती है, किंतु यहाँ खराब आदमी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरा मे लोग की बेटी बेटी भी तो बड़ा है, मैं लोग की बेटी भी बहुत सुंदर सुंदर दादी, दादी हम लोगों को कुछ दिखाने ले जा रही है, उसको वेट करने दो, हम अकेला, उसको बोलते हैं ना कि उधर तुम भी जाओ, किधर चलो, हम अकेला, अरे उधर भी तुम इधर साओ, अच्छी लग रहा जिससे जा भगवान का भी वो बाप फेंक गया, से तुम चल जाना ना देख के घूर के, कोई नहीं बोलेगा, खुद बोलेगा, आई देखो ये देखो भी रोड, ये तो ये रोड नहीं है, वो पास देखे रोड है, अच्छा देखिए वो रोड है, तालगाछ, तालगाछ का है वो, ये जो तालगाछ बगुला, यहाँ मछली रखते हैं, अच्छा आप उधर से, उधर से हमें यहाँ पे लोकल से बात करने का मौका मिला एंड मुझे हमेशा ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि हम लोकल से बात करें और यहाँ के बारे में जानें, और दादी ने इतना अच्छे से बताया एंड मुझे मेरी HOD मैम है प्रोफेसर डॉक्टर ईवा हंसता मैम, एंड उन्होंने हमेशा कहा है कि कहीं भी घूमने जाओ तो लोकल से बात करो, कन्वर्सेशन उनके साथ बातचीत करके बहुत कुछ पता चलता है, एंड आज मुझे वो चीज़ याद आई एंड फील हुई एंड आई फील सो इमोशनल, मतलब लोगों के पर्सनली उस जगह के बारे में जानना इस नहीं बता सकती मैं, रोड को जाके पहुँचो, धन्यवाद दादी, हाँ ठीक है, ठीक है, मेरा घर देखा रोड नहीं, हाँ हाँ चूल्हा चूल्हा नहीं, हम लोग भी चूल्हा रखते है, चूल्हा रखते है और चूल्हा का खाना अच्छा लगता है, मेरे लोग बनिया में एक 6 महीना एक बच्चा रोज गैस सिलेंडर में पकाया, मैंने चूल्हा नहीं कहा, हाँ गाइस देखिए हम लोग कितने अच्छे दोस्त हैं हम लोग पानी पूरा तट तक आ गया है तो फिर विद्या आ नहीं पा रही है, वो आधे दूर में अटक गई है और हम लोग डोरा द एक्सप्लोरर बन के इधर से उधर से एक्सप्लोरिंग द रोड्स, नैरो रोड्स जहाँ से शॉर्टकट मिल जाए, अनइवन रोड्स, एंड दादी को शुक्रिया अदा कि उन्होंने इतना कुछ हमें बताया एंड रास्ता भी दिखाया, अब हमारा मन बदल गया है, अब हम अपना पहले कंप्लीट करेंगे तभी जाएंगे, बहुत मुश्किलों से आए हैं, यस नाउ वी आर बीइंग सेल्फिश फॉर द फोटो शूट, अभी वो वहाँ वेट कर रही है, हम लोग यहाँ पे वीडियो बना के ही जाने वाले हैं, सॉरी विद्या यहाँ पे बोल रही, सो दिस इज आवर लव एंड विद्या का भी इस नंबर बीच में
कह देते, अरे फूल दादा को कह देते, छोड़ो। यू आर ऑल्सो हियर इनसाइड। एंड ये हम लोग अभी मंदार मणि के समुद्र में बहाने वाले, तुम भी पकड़ो, चलो एक 1 2 3 रुको रुको। हाँ ये अरे ये तो छोड़ दिया, ले जाएगा, चलो जाओ। With lots of memories. Right. तो ये समुद्र के साथ आज मेरा लास्ट वीडियो है और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं जा रही हूँ बहुत सारी यादों के साथ एंड मंदार मणि की खूबसूरती और यहाँ के लहरों के आवाज़ के साथ एंड खासकर मेरे दोस्तों के साथ, बहुत अच्छे फ्रेंड्स के साथ मैं आई और मेरे स्कूल की बेस्टीज़ के साथ एंड अलग हमेशा रहेगी। आई एम हैप्पी। तो समुद्र तट पे आ चुका है और इसीलिए अब हम गलियों का सहारा लेते हुए जा रहे हैं अपने होटल की ओर एंड हमें नहीं पता आगे से कौन सा रास्ता कनेक्ट करेगा, बट हमने अपना होटल देखा, उसका टेरेस दिख रहा था तो हम थोड़ा सा ट्राई कर खुद से जा, लेकिन अच्छा है उसके बहाने हमें थोड़ा नज़ारा अगल बगल का दिख। क्या लुक्स के स्केरी द अनटच्ड रोड्स हमारा एंड कहाँ मिला रास्ता। हाय हेलो, ये छोटा सा टी स्टॉल है यहाँ जस्ट हमारे होटल के थोड़े से सामने। सो हमने विद्या को ढूंढ निकाला है। बच्ची खो गई थी, हम खो गए, बच्ची खो गई थी और हाँ डाब खाली पेट में पीने से अच्छा रहेगा। और फिर अब हम लोग रूपकथा होटल की ओर पहुँच गए हैं। मैं होटल पहुँचती हूँ एंड आप लोग को सब कुछ बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या रेट्स हैं नॉल सब कुछ, ठीक है। सो हम फाइनली अपने होटल में पहुँच गए हैं एंड आप देखिए जो सी लेवल है वो कितना बढ़ गया, वो मतलब आपको बाउंड्री से भी ऊपर नज़र आ रहा होगा। और मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि यहाँ पे चार्जेस कितने हैं। सो हमें बिल्कुल बजट फ्रेंडली चाहिए था क्योंकि हमारा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिप था एंड हम चाहते थे कि सब कुछ बजट के अंदर हो जाए क्योंकि हम लोगों का ये फ़र्स्ट ट्रिप था और हम नहीं चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा दूर हो या फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो, हॉच पॉच हो। तो सब कुछ हमारा, हम चाह रहे थे कि मिनिमल अमाउंट में ही हो जाए। सो ये जो हमारा होटल था वो 125 लग रहा था, लेकिन हम तीन लोग थे तो इसीलिए 500 एक्स्ट्रा करके 3000 हमारा एक दिन के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए अपने हिसाब से कि 500 एक्स्ट्रा के लिए हो जाता है एंड 3 persons आर अलाउड। सो काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकी रिजॉर्ट्स भी हैं बहुत सारे, अगर आपको पूल चाहिए, बट हमें पूल नहीं चाहिए था, हम हमारे लिए ठीक था विदाउट पूल भी। और ये विदाउट पूल है एंड यहाँ आपको टेरेस से सी का व्यू भी दिखता है, सो बहुत अच्छा है एंड बाकी बहुत सारे भी हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है, ब्रेकफास्ट वाज इंक्लूडेड एंड अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और मैं आप लोगों को हाँ ये बताने वाली थी कि हमें जो दादी मिली थी उन्होंने हमें ये बताया कि जब बिपरजॉय साइक्लोन यहाँ पे आया था, हिट किया था, तो बहुत ही मतलब तबाही हुई थी, वो सबको पता है। एंड जो पाम ट्रीज़ है उससे भी ऊपर पानी था, कैन यू इमेजिन। जैसे उन्होंने बताया ये, बाप रे हमारा हालत ख़राब हो गया। एंड उसके बाद ये भी बताया कि सरकार ने बहुत हेल्प की थी उनकी, यहाँ पे जो भी जितने भी लोग थे उन लोगों को सेफली पहुँचाया गया दूसरी जगह। एंड मैं आप लोगों को एक
बिल्डिंग दिखाऊंगी। जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारा नज़र उस पर गया था एंड हम लोग बहुत डर गए थे कि ये कैसे हुआ। हमें पहले लगा कि इन्होंने खुद ही इसे मे बी डिस्ट्रॉय किया हो, लेकिन फिर हमें लगा कि कुछ तो हुआ होगा एंड उसी में ऐसा हुआ है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है इसकी हालत देखिए, और भी है कुछ उस तरफ, तो इसका हालत साइक्लोन में ही ख़राब हुआ है एंड ये बहुत काफ़ी डरावना है। और यहाँ पे आई थिंक कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसी होटल का, और आगे में भी पूल बन जाए या फिर, एंड यहाँ से पूरा आपको सी दिख रहा होगा, व्यू देखिए। सो दिस इज़ द व्यू, यहाँ से हम जाते हैं बीच की ओर। एंड हमारा जो है वो ग्राउंड फ्लोर में ही रूम है, सो काफ़ी अच्छा है। हम लोग नॉर्मली आते हैं एंड घुस जाते हैं हमारे रूम में, और अब हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द रेस्टोरेंट, लेट्स गो। सो गाइज, वी आर रेडी टू लीव मंदारमनी एंड हम रेडी हो गए हैं। अभी हम चौलकोला बस स्टॉप जाएंगे, वहाँ से हम बस पकड़ेंगे एंड देन बस से डायरेक्ट हावड़ा एंड हावड़ा से डायरेक्ट रांची।